आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीएचयू पाठशाला का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म तो है ही, साथ साथ हम लोग का एक सुपर 40 एक अच्छा सा प्रोग्राम है जिसमें लगभग 100% सिलेक्शंस की बात की जाती है। लास्ट ईयर का जो सिलेक्शन है वो 38 आउट ऑफ 40 रहा है। इस बार पिछले साल की अपेक्षा और बेहतर तरीके से हम लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज किया है, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत सारी चीजें नहीं थी। राइट नाउ बीएचयू पाठशाला बहुत बेहतर हो चुका है। हो सकता है आने वाले समय में बीएचयू पाठशाला और भी बेहतर हो जाए। गाइज, आज स्क्रीन पे 4 लोग हैं, यहाँ पे टोटल 40 लोग का इंटरव्यू होना है, तो हम लोग शिफ्ट में डिवाइड कर रखे हैं। जो पहला शिफ्ट है उसमें हमारे पास अंशु जी हैं, आदर्श जी हैं, अदिति जी हैं और शुभम जी हैं। इन 4 लोगों ने फर्स्ट शेड्यूल में अपनी पोजीशन बनाई है और इन 4 लोगों ने लगभग अच्छे मार्क्स के साथ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ रैंक पे रहे हैं। तो सबसे पहले बीएचयू पाठशाला और बाकी जितने व्यूवर्स हैं, बीएचयू पाठशाला के जितने मेंटर्स हैं, सभी की तरफ से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और आप सभी लोग आज स्क्रीन पे हो, मैं आप सभी से ये उम्मीद करूंगा कि मैं ही नहीं, बीएचयू पाठशाला की पूरी टीम, इवन आपके गार्जियंस, आपसे जुड़े हुए बहुत तमाम लोग आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग लाइफ में बेहतर करो। हम लोग तो बस एक सहारा भर है, हम लोग तो आपको एक रास्ता दिखाने का काम करते हैं, आपको वो चीज देते हैं जिस चीज से आप अपने एंट्रेंस में बेहतर कर सकते हो। बेसिकली आप उन सभी तमाम गाइडेंस का प्रॉपर वे में फॉलो अप करते हुए आप आगे एंट्रेंस में अपना एक अच्छा सा पोजीशन ला के हमें दे सको, एक अच्छा पोजीशन अपने गार्जियन के लिए बना सको, अपने खुद के लिए बना सको, ऐसा कुछ कुछ हम आपसे उम्मीद करते हैं। तो आज के हम लोग इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं। बीएचयू पाठशाला का जो सेकंड स्टेप इंटरव्यू था उसमें 5 राउंड टोटल चलने हैं, जिसमें 3 राउंड बीएचयू पाठशाला के जो मेंटर्स हैं वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, 1 राउंड जो है वो क्रॉस क्वेश्चनिंग होगा, मीन्स आपस में आप लोग क्वेश्चन पूछोगे, और 1 राउंड जो होगा वो होगा आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे और उस फेवरेट सब्जेक्ट से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आप लोग इस बहुत अच्छा से इसको एंजॉय करने वाले हो। थोड़ा से भी इसे डिप्रेशन में मत लेना, अरे सर डर लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बीएचयू पाठशाला नाउ आपकी फैमिली बनने वाली है, बन चुकी है। अच्छी सी स्माइल मुझे हमेशा पसंद है, मैं हमेशा बोलता हूँ मुस्कुराते रहिए। तो मेरा एक अच्छा सा मैसेज आप तक ये जाना चाहिए कि आप लोग अच्छी स्माइल के साथ करोगे, हल्का सा भी डिप्रेशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, हेजिटेशन नहीं। तो मैं चाहूंगा कि क्या ये स्माइल सच में सबके चेहरे पे है? तो प्लीज एस रिप्लाई करना, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कंफर्टेबल हो, कंफर्टेबल हो, तो कुछ लोग की स्माइल मेरे तक पहुंच रही है, देखो शुभम स्माइल कर रहा है। हाँ बढ़िया, बहुत अच्छा, ऐसे होना चाहिए। तो आगे स्टार्ट किया जाए, तो ठीक है इस राउंड की शुरुआत करते हैं। तो आदित्य सर, इनका इंट्रोडक्शन भी थोड़ा जरूरी है या फिर डायरेक्टली स्टार्ट करना है, या फिर इनसे इंट्रोडक्शन ले लिया जाए, क्योंकि पहली मीटिंग है तो हम सोच रहे हैं कि ये लोग अपने इंट्रोडक्शन थोड़ा दे दे तो ज्यादा बेहतर रहता। पूछेंगे अंशु जी, अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा। अंशु जी आप अपना नाम, कहाँ से हो, थोड़ा मोटा डिटेल में जो भी आप बता सकते हो, शॉर्ट डिटेल बताइए। मेरा नाम मंसूर कुमारी है। मैं बिहार के छपरा जिले से हूँ। मैं नाम श्री संतोष कुमार है और मेरी माता जी का नाम श्रीमती उषा देवी है। मेरे पिताजी दिल्ली शहर में स्टील कंपनी में वर्कर है और मेरी माता हाउसवाइफ। बहुत अच्छी बात है, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है आपके साथ, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। और मैं आप सभी दर्शकों को बता दूं कि अंशु जी ने फर्स्ट रैंक 240 के टेस्ट में हासिल किया है। इनकी सिंप्लिसिटी और इनका नॉलेज इनको बहुत आगे ले जाएगा। अच्छा आप बताइए आदर्श जी, अपने बारे में थोड़ा बताइएगा। मैं आदर्श कुमार बिहार से हूँ। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले से। मेरे फादर्स नेम राकेश शर्मा और माता का नाम रूबी देवी है। और बीएचयू से मतलब मेरे घर से भी एक सिलेक्शन हुआ था। अभी मेरे भैया उसमें सिलेक्ट हुए थे, वो मतलब कुछ दिन पहले सिलेक्ट हुए थे। अभी वो IIT रुड़की से PhD कर रहे हैं इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से। तो उन्हीं से थोड़ा बहुत मेंटो मिलता है और आपके बारे में भी जानकारी शायद उन्हें उन्हीं ने मुझे दिया था कि हाँ ये अच्छा पढ़ाते हैं और ज्वाइन करने के लिए बोला था। बहुत अच्छा लगा आदर्श जी, ऑलरेडी इनके घर में बहुत अच्छी स्टोरी है कि IIT रुड़की से जुड़ा हुआ है, फिर अब BHU के लिए अप्रोच कर रहे हैं। और आदर्श जी का लुक देख के तो यही लग रहा है कहीं ना कहीं आर्मी वगैरह में भी बहुत इनका इंटरेस्ट है। बहुत अच्छा हेयर स्टाइल है आपका, बहुत बहुत अच्छा लगा। अच्छा अभी शुभम जी आप बताइए,
अपने बारे में। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी बताइए। सर मेरा नाम शुभम है, मैं बिहार के गया जिला से हूँ और मैंने अभी 12th गया के ही केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 से पास आउट कर लिया लास्ट ईयर। और BHU में आना मेरा सपना भी है और शायद मैं आऊँगा भी और आपसे मिलूंगा भी बनारस आकर। एकदम श्योर है आप BHU पाठशाला के पूरे मेंटर से मिलेंगे। BHU पाठशाला की पूरी मेंटर्स जो है वो ऑलरेडी इतना प्लान वे में काम कर रही है, तो आप बिलीव नहीं करोगे, आपके सेलिब्रेशन की प्लानिंग ऑलरेडी सोच रखी है कि हम लोग को क्या करनी है, हम लोग को प्लानिंग करना है, हम लोग को इस तरीके से इसे ऑर्गेनाइज करना है, एवरीथिंग। अच्छा मेरी आवाज तो गई है ना, कटी तो नहीं है ना, ब्रेक नहीं हुई ना? नहीं सर ओके बिल्कुल नहीं। ओके। हाँ जी, तो अभी शुभम जी के बाद एक लास्ट मेंबर हमारे पास अदिति है शायद ना। अदिति आप बताइएगा अपने बारे में। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। बाकी आपके और भी मेंटर्स हैं, तो आप गुड मॉर्निंग एंड एवरीवन गुड मॉर्निंग आप ये भी बोलो, क्योंकि आपके ये जो सहपाठी हैं अब ये भी तो अब डिजर्व करते हैं ना गुड मॉर्निंग वगैरह। ठीक है, अच्छा आप आगे गुड कंटिन्यू करो। मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम अदिति तिवारी है और मैं हाँ जी कोलकाता में रहती हूँ और मैंने क्लास 12 सृजन विद्यालय से कंप्लीट किया है इस ईयर, जिसका रिजल्ट जून के एंड जुलाई के एंड में आएगा। ओके, बहुत अच्छा लगा मिलके आप लोग से, रियली मुझे बहुत अच्छा लगा मिलके। अभी आगे आप लोग की जो मीटिंग है वो आदित्य सर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो नाउ आदित्य सर आप कंटिन्यू कीजिए। तो इट्स ऑल राइट, काफी अच्छा लगा आप सबके जो भी इंट्रोडक्शन थे वो जानते हैं कि आपका जो भी ब्रीफ इंट्रोडक्शन था वो हमें पता चला। तो विदाउट अच्छा एनी डिले आदित्य हम जी, सीधे चलते आदित्य हैं, जी मैं उनको आपको सीधे जो है उनके पास आपको ले चलना चाहूंगा जो भी मेंटर जुड़े हुए हैं। तो आपको मैं ब्रीफ आइडिया बता देता हूँ कि सीधे सीधे क्या चीज होंगी, सिंपल वे में कैसे क्या कह सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे पर्टिकुलर, एक एक मेंटर जो है एक एक सब्जेक्ट पूछेंगे जो भी सेक्शन से होगा और पर्टिकुलर सेक्शन से आपको वो चीजें आपको बतानी होगी। और ये देखिए बहुत नेचुरल सा क्वेश्चन होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा हो सारी, क्योंकि ये हाई टाइप की चीजें नहीं है, बहुत सिंपल सी होगी। तो मैं बिना टाइम लेते हुए सबसे पहले चलना चाहूंगा अमित सर के पास। तो नाउ ओवर टू यू अमित सर। मैं सबको विजिबल हूँ, ऑडियोबल हूँ सबको? हाँ, ये बिल्कुल सर ऑडिबल विजिबल दोनों का। तो सबसे पहले मैं आपको कंग्रेचुलेशंस बधाइयाँ देना चाहता हूँ, क्योंकि आपने इतनी अच्छे मार्क्स ऑब्टेन किए। तो जनरली इतने ही मार्क्स होते हैं BHU एंट्रेंस के जो टॉप लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, ओके, जो टॉप 10 या टॉप 20 में आते हैं, उनके मार्क्स इतने ही होते हैं जितने आपने अभी टेस्ट में लाए हैं। ओके, तो आप लोग बहुत अच्छी पोजीशन पे स्टैंड कर रहे हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगा जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होंगे। आई होप आपने इकोनॉमिक्स प्रिपेयर की होगी अच्छे से, तो वहां से मैं क्वेश्चन कुछ पुट करूंगा आपके पास। ओके, तो सबसे पहले जो अंशु कुमारी हैं, ओके, जिन्होंने फर्स्ट रैंक लाया है सुपर 40 टेस्ट में, उनसे मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा। तो अंशु प्लीज सर आप साफ क्लियर अपना नहीं आ रही वीडियो है। और ऑडियो अगर ऑन। हेलो, हाँ अंशु, आपके साथ क्या इश्यूज हैं फिर? एक्चुअली आई थिंक कुछ आपको नेटवर्क ऑलरेडी प्रॉब्लम थोड़ा हो रहा सा ऑलरेडी बोला गया था, थोड़ा सा आप कोप अप करिए, जो भी नेटवर्क इश्यूज हैं उसको सॉर्ट आउट करने का ट्राई करिए अंशु, ये रिक्वेस्ट है हमारी। है। चलिए, अंशु जी के साथ अभी कुछ नेटवर्क इश्यूज हैं, तो मैं आदर्श शर्मा जो सेकेंड रैंक है सुपर 40 सर के, ओके, तो आदर्श जी आपने बहुत अच्छे मार्क्स लाए, आपको पहले बहुत सारी बधाइयां। ओके, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस मैं करूंगा। जनरली इकोनॉमिक्स जब पढ़ते हैं तो आप कुछ बेसिक बेसिक चीजें तो पढ़ते ही हैं, तो उन्हीं बेसिक चीजों से मैं क्वेश्चन करूंगा, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत बेसिक क्वेश्चन होंगे। ओके, तो ओके फर्स्ट क्वेश्चन, सर। अगर इकोनॉमिक्स पढ़ते हो आप तो प्लानिंग कमीशन के बारे में जरूर पढ़ते हो, योजना आयोग। यस सर। तो आपको बताना है कि योजना आयोग का स्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, उसकी स्थापना कब हुई थी, और उसका जो चीफ बोल सकते हैं, पदेन अध्यक्ष बोल सकते हैं, वो कौन होता है? प्लानिंग कमीशन सर, ये मोदी गवर्नमेंट में ही तो रही है, लेकिन इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं।
और ये 15 मार्च, आई थिंक प्लानिंग कमीशन शुरू शुरू में 15 मार्च 1950 के आसपास में आई थी, और ये इसकी इसको चेंज करके नीति आयोग भी रखा गया था नाम, लेकिन फिर अभी प्लानिंग कमीशन कर दिया गया है। ओके, चलिए ठीक है। तो आपने अच्छा आंसर दिया, 15 मार्च 1950, और इसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो पीएम होते हैं, ओके, होते थे, ओके, यस क्योंकि सर, इसको अबॉलिश यस कर दिया गया था सर, मोदी गवर्नमेंट के द्वारा, आप जानते होंगे। तो आपने यस अच्छा सर, आंसर दिया। तो प्लानिंग कमीशन को किस लिए बनाया गया था, आप बता सकते हैं? प्लानिंग कमीशन, आई थिंक जनरली सर, आप प्लान करने के कैसे लिए देश में क्या चल रहा है, कैसे क्या ऑर्डर वे में सबके चलाने के लिए, आई ओके, थिंक। बहुत बढ़िया आपने आंसर दिया। ये जनरली मैंने पूछ लिया क्योंकि पूछा जाता है आपसे ये चीजें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा आपसे टर्म्स को लेके, क्योंकि इकोनॉमिक्स में कुछ टर्म्स पूछी जाती हैं। तो अभी जो करंट में इशू चल रहा है, अभी जो आपने देखा कोविड सिचुएशन में चीजों के दाम बहुत ज्यादा बढ़े, ओके, चीजों के दाम जी बढ़े, हम कह सकते हैं कि डिमांड चीजों की बढ़ी और सप्लाई कांस्टेंट रही, सप्लाई वहीं पे रही। तो इसको हम लोग इकोनॉमिक्स के वे में क्या कहेंगे, जब चीजों के दाम बढ़ जाते हैं, ओके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स के टर्म में, कि क्या हो गया देश में, कौन सी सिचुएशन आ गई है किस चीज की? क्राइसिस बोलते हैं इसको, आई थिंक। नहीं, जैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब वस्तुओं के प्राइस जो है वो बढ़ने लगते हैं, तो इसको इकोनॉमिक्स में एक टर्म्स है, जैसे मैं आपको समझाना चाहूंगा, जैसे अगर पुरानी मुद्रा से नई मुद्रा की ओर हम लोग हायर द प्राइस और हाँ, होता है डिमांड जो होता है फिर बढ़ते जाता है और सप्लाई कॉन्स्टेंट होता है। सप्लाई कांस्टेंट रहती है, तो ऐसी सिचुएशन जो होती है, जो मूल्यों को बढ़ने का जो टर्म यूज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एग्जैक्ट टाइम तो नहीं पता है सर। फिर भी आप ट्राई तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आपने एक पहला आंसर बहुत अच्छा दिया है, मैं इम्प्रेस हूँ उससे, तो आप ट्राई कर सकते हैं इसके लिए। जैसे हम लोग पढ़ते हैं हायर डिमांड लोअर, हायर द डिमांड हायर द प्राइस और सप्लाई आपके सामने एक कांस्टेंट। वो पुट कर रहा हूँ, आप उससे आई थिंक आइडिया लगाइएगा। जैसे कोई भी है अपनी मुद्रा जो है, हमारी जो करेंसी है उसको डिवेल्युएट कर देना, उसका डिवेल्युएशन कर देना फॉरेन मुद्रा के कंपेरिजन में, तो उसको हम लोग अवमूल्यन बोलते हैं, ओके, आपने पढ़ा होगा, डिवेल्युएशन बोलते हैं उसको। उसी तरीके से जब चीजों की जो प्राइस है वो बढ़ने लगे तो उसको क्या बोलते हैं? चलिए आदर्श जी, कोई बात नहीं, उसको हम लोग मुद्रा स्फीति बोलते हैं, यस ओके, इन्फ्लेशन बोलते हैं। yes. तो आई थिंक अगर आपको ऑप्शन मिला होता तो आप सही अटेम्प्ट करते, कोई बात नहीं, आपने पहले क्वेश्चन का आंसर अच्छा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई का स्टेब्लिशमेंट, आप बता दीजिए कब हुआ था। आरबीआई इसका हेड क्वार्टर अभी मुंबई में है, और एग्जैक्ट डेट इसका मैं नाइनटीन सॉरी, एक बार आपसे बोलेंगे, थर्टी आदर्श जी ऑडियोबल नहीं है, आप एक बार फिर से अगर बोलेंगे। आरबीआई का रेजोल्यूशन 1935 में हुआ था सर। ओके, चलिए आदर्श जी आपने बहुत अच्छे आंसर्स दिए हैं, ओके, मैं इम्प्रेस हूँ, और आप इलिजिबल हैं इसके लिए, ओके। चलिए नेक्स्ट पार्टिसिपेंट कौन है, आदिति तिवारी। हेलो ओके, तो आदिति तिवारी आपको पहले बहुत सारी बधाइयाँ कि आपने इतने अच्छे मार्क्स ऑब्टेन किए, ओके। तो चलिए आपसे मैं कुछ क्वेश्चंस करता हूँ, ओके। तो पहला क्वेश्चन मैंने आदर्श से किया था कि योजना के बारे में, आप मुझे नीति आयोग बताएंगे कि नीति आयोग का स्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, और उसके जो चीफ होते हैं यानी पदेन अध्यक्ष आप हिंदी में बोले तो वो कौन होते हैं? नीति आयोग वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 4 जनवरी 2015, एंड और इसके अध्यक्ष कौन है? क्या चलिए ठीक है आदित्य जी, कोई बात नहीं, उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो पीएम होते हैं, ओके, जो जैसे योजना आयोग में था वैसे ही उसमें भी है। तो अच्छा आंसर दिया आपने, एस्टेब्लिशमेंट आपको याद है तो अच्छी बात है ये, ओके। तो यही क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहता था। नेक्स्ट जो पार्टिसिपेंट है वो कौन है, शुभम कुमार आई थिंक। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर।
मैं एक ही क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे। मैंने आदर्श से काफी क्वेश्चंस किए, तो आदर्श ने आप काफी अच्छा जवाब दिया था, तो अब मैं शुभम कुमार एक ही क्वेश्चन करूंगा मैं आपसे। अगर आप उसका जवाब देने में सक्षम है तो मैं आपसे आगे क्वेश्चन नहीं करूंगा। तो कृपया आप अपना वो ऑन कर सकते हैं कैमरा वीडियो, बिल्कुल सर। कैमरा ऑन कर सकते हैं। ओके, तो आप मुझे बता दें, क्वेश्चन आपको बताना है कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसका एम क्या था, उसका उद्देश्य बोल सकते हैं हम लोग, वो क्या रखा था उन लोगों ने, मतलब फोकस एरिया कौन सा था। तो उसका फोकस एरिया था एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। ओके, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने, एग्रीकल्चर हाँ और। जी ओके, चलिए बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। एक ही क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि अगर ये आपको ना आता तो मैं आगे आपसे क्वेश्चंस पूछता। ये आपने अच्छा आंसर दिया तो बहुत अच्छा लगा आप लोग, क्योंकि ये चीजें ना इकोनॉमिक्स में सबसे बेसिक्स हैं, तो ये आपको आती हैं, तो आपने आगे भी पढ़ा होगा। तो जो पहले थे अंशु कुमारी, उनका आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू था, सॉल्व हो गया होगा, तो मैं क्वेश्चन करूँ उनसे। अमित सर, थोड़ा एक बार अपना वॉइस चेक कर लीजिएगा कि वॉइस ठीक आ रही है। मुझे लग रहा है थोड़ा वॉइस स्लो आ रही है क्या, मगर सबको आ रही है तो कोई इशू नहीं है, मेरे को थोड़ा स्लो आ रही है एक्चुअली। कोई प्रॉब्लम है? नहीं क्लियर आ रही है सर, सर वॉइस वॉइस? बिल्कुल ठीक है, अमित सर की वॉइस बिल्कुल ठीक अच्छा ठीक है ठीक है, ओके है। ओके। अंशु जी, अगर आपका नेटवर्क कनेक्टिविटी ठीक हो तो मैं आपसे क्वेश्चन करूं। आदित्य सर, आई थिंक अंशु कुमारी जो है फर्स्ट रैंक जिनका है सुपर 40 में, उनकी नेटवर्क कनेक्टिविटी में थोड़ा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हम लोग देख सकते हैं बाद में। यस सर, क्लियर नहीं आ रहा है सर। ओके अंशु जी, आई थिंक आपकी नेटवर्क मैं कनेक्टिविटी। अभी अभी अंशु, आपकी आवाज बिल्कुल सही आ रही है, आप ट्राई कर सकते हैं। ओके अंशु, मैं ऑडियबल हूँ आपको? यस सर, यस ओके, सर। तो चलिए जल्दी से आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताइए कि जो एनडीसी है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, आपने सुना होगा, उसकी यस सर, स्थापना कब हुई थी, स्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? अंशु, राष्ट्रीय विकास, राष्ट्रीय विकास परिषद जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? 6 अगस्त 1952। बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। ओके, तो मैं यही पूछना चाहूंगा, और आप अगर हो सके तो आप ये बता सकते हैं कि एनडीसी की स्थापना किस लिए हुई थी? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आपने इतना बताया बहुत है। ओके, तो एक क्वेश्चन का आपने बट आंसर मुझे ये नहीं दिया। पता था। चलिए ठीक है अंशु जी, तो आपने बहुत अच्छे आंसर्स दिए। ओके, तो मैं आपको बेस्ट ऑफ लक, मैं आपको कहना चाहूंगा, आप लोगों ने बहुत अच्छे आंसर्स दिए। ओके, वो मैं आदित्य सर से बोलूंगा कि वो आगे कंटिन्यू करें। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने चीजों को बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ाया, और अब अच्छा अपने जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने अच्छे खासे आंसर दिए। तो ना, अब मैं मूव करना चाहूंगा नेहा मैम के पास, जो कि आप जो भी उनको सेक्शन है, यानी कि जनरल साइंस के सेक्शन से आपको क्वेश्चन पूछेंगे और आप सब बताने का प्रयास करेंगे। नाउ ओवर टू नेहा मैम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज यू बोथ आर सिलेक्टेड फॉर सुपर 40 इंटरव्यू, एंड इट्स वेरी ग्रेट हैप्पीनेस फॉर यू ऑल, एंड दिस हैप्पीनेस विल बिकम डबल व्हेन यू विल गॉट गुड रैंक इन योर एंट्रेंस एग्जाम। सो मैनी मोर ब्लेसिंग्स और गुड विशेस फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम। होप आप लोग बहुत ही अच्छा करेंगे आगे। बाय द वे, अबाउट मी, आई एम नेहा, बीएचयू पार्सल मेंटर, एंड एज यू नो I am science mentor, so today here I will just ask some question from you all from GS section. Okay. So first, Anshu, आपने I think first rank achieve किया इस exam में, so मैं first आपसे start करूंगी। Yes sir. Anshu, आप मुझे बताएंगे 12th में चल गया था, I mean आपका बायो साइंस था, मैथ साइंस था, कॉमर्स था, आर्ट्स था? मैथ साइंस था मैम। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ओके, सो अंशु से मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। अंशु, देखिए आपके एग्जाम्स में जो आपका बीएचयू का एंट्रेंस होता है, मैं आप सभी को बताना चाहूंगी
इसमें आपकी साइंस में तो आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो पढ़ते हो, बट आपका जो मेनली क्वेश्चन आस्क किया जाता है वो बायो सेक्शन से आस्क होता है, और इसमें भी आपके कुछ टॉपिक्स होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि आपका वाइटामिन्स है, ह्यूमन डिजीज है, राइट? तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन अंशु से वाइटामिन से ही है, आप मुझे वाइटामिन के का केमिकल नेम बताएंगे? अंशु विटामिन के का केमिकल नेम? स्कर्बिक एसिड। क्वेश्चन रिपीट करना है आपको, आवाज आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही है अंशु, सॉरी बट आप आंसर गलत है अंशु। विटामिन के का केमिकल नेम फिलोक्विनिन होता है, ओके इट्स ओके। मेरा सेकंड क्वेश्चन है आपसे, आपको यस और नो में आंसर देना है, ओके अंशु? आपने म्यूट कर रखा है खुद को, आपको यू हैव टू गिव योर आंसर इन यस और नो, ओके? विटामिन बी वन डेफिशिएंसी कॉजेस बेरी बेरी, यस और नो? ओके तो आपसे मैं एक क्वेश्चन और करना चाहूंगी, इसका भी आंसर आपको यस और नो में देना है, ओके? विटामिन डी इज फैट सॉल्युबल, यस और नॉट? Vitamin D is fat soluble, yes or not? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही अंशु, if possible then please type your answer. Yes ma'am. Okay. Thank you अंशु. हाँ नेहा मैम एक मिनट थोड़ा सा वक्त लूंगा, एक्चुअली अंशु जी मैम ने जो भी क्वेश्चन पूछा है क्या उसमें लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से आप बहुत स्लो आंसर कर रहे थे या फिर कोई और रीजन? हाँ जी सर, लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रहा था। लैंग्वेज प्रॉब्लम, तो ठीक है हम एक क्वेश्चन पे साइंस से पूछ लेता हूँ, ठीक है आप बता दीजिएगा, अभी कंफर्टेबल हो ना? अच्छा अभी तो क्वेश्चन समझ में आ गया था, आप मेरे को उन विटामिन्स का नाम बता दो जो कि वाटर में सॉल्युबल है। वाटर सॉल्युबल का मतलब ये होता है कि वो पानी में घुल जाए, ऐसे कौन कौन से विटामिन है? तीन चार बहुत सारे होंगे लेकिन आप दो तीन का अभी नाम बता दोगे तो चलेगा, आप बता दो ऐसे कौन कौन से विटामिन है जो वाटर में सॉल्युबल है। अच्छा डी वाटर में सॉल्युबल है, आप बता लो सर डी। मैं तो पूछ रहा हूँ ना, आप बताओ मेरे को और सारा बताओ, कितने सारे ऐसे विटामिन है जो वाटर सॉल्युबल है? डी ए सी है। ठीक है, पता है सर। अच्छा ठीक है, उसका एक अच्छा सा। नेहा मैम ठीक है इनका कोई और इनसे कोई क्वेश्चन? मैं एक क्वेश्चन और अंशु से करना चाहूंगी, अंशु आप मुझे बताएंगे एलिफेंटेसिस कैसे होता है? आपने एलिफेंटेसिस नाम सुना होगा, डिजीज है, हाथी पाव हिंदी में बोलते हैं इसे। अंशु हाथी पाव बीमारी कैसे होती है? एलिफेंटेसिस मैं विटामिन की बात, मेरी आवाज क्लियर नहीं जा रही है क्या अंशु? आपको मेरी आवाज क्लियर जा रही है? आपकी आवाज क्लियर है, आप कंटिन्यू करिए। बट मुझे अंशु की आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अंशु मैंने क्वेश्चन किया है एलिफेंटियसिस इज कॉज्ड बाय, हाथी पाव आपने नाम सुना होगा बीमारी का, ये किसके कारण से होता है? मुझे कारण से नहीं पता मैं। ओके कोई बात नहीं अंशु, ओके थैंक यू। सो मैं अब नेक्स्ट आदर्श से क्वेश्चन करना चाहूंगी, ओके थैंक यू अंशु। ओके आदर्श फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन, आपको मेरी आवाज आ रही है आदर्श? यस मैम। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन, आपने बहुत अच्छा मार्क्स लाया है आपने सुपर 40 टेस्ट में, और आप सुपर 40 इंटरव्यू दे रहे हो, होप आप अपने एंट्रेंस में भी बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे। सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन इजी सा क्वेश्चन है आपसे, आप बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हो साइंस में, तो बायोलॉजी के फादर कौन है? अरिस्टोटल। फादर ऑफ बायोलॉजी? नहीं सॉरी, अरिस्टोटल। देखिए अरस्तु, आई थिंक
हाँ जब आप लिखते हो तो आप उसको एरिस्टोटल लिखते हो, बट उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन अरस्तु होता है. ओके आपका आंसर सही था. नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे विटामिन से ही है. विटामिन B5 का केमिकल नेम आप मुझे बताइए. विटामिन B5, विटामिन B5 का केमिकल B5, उसका स्पेलिंग डिहाइड्रो ऐसे कुछ ऐसे ही कुछ करके डिहाइड्रो कुछ करके है मैम, एग्जैक्ट आ नहीं रहा है दिमाग. सॉरी बट विटामिन B5 का केमिकल नेम पेंटाथेनिक एसिड होता है. ओके होप अभी आपको क्लियर होगा. ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इजी सा है आपसे. आप मुझे फैट सॉल्युबल विटामिंस के नेम बताइए. विटामिन डी और ई और के. और मिस कट-कट के आ रहा आवाज. ओके नेहा मैम कोई बात नहीं है, आप अभी स्टॉप कर दीजिए, नेक्स्ट राउंड हम लोग नेक्स्ट मेंटर के साथ करते हैं. फिर आप अदिति को नोट डाउन कर लीजिए, इनके क्वेश्चंस आप आफ्टर थर्ड राउंड के बाद आप कर लीजिए, ठीक है? कोई इशू नहीं है. आदित्य जी थर्ड राउंड में क्या है, कौन से टीचर्स आप ही पूछोगे शायद मुझे लग रहा है. नहीं सर इसके पहले मैं जिन लोगों ने हिंदी अटेम्प्ट करा है उनसे नेहा मैम अभी आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, आप इसके आगे कर. कोई नहीं अदिति आप अभी रुक जाओ, ठीक है अदिति हम इनका राउंड चला देंगे, ठीक है कोई बात नहीं. नेहा मैम आप जाने दीजिए, अभी स्टॉप कर दीजिए, आपका हो जाएगा अभी. उसके पहले इन द मीन टाइम हम लोग हिंदी के मेंटर हमारे साथ में सीखा है, उनके पास चलना चाहेंगे. अच्छा कितने लोग हिंदी के यहाँ पे हैं, आदर्श और शुभम अदिति अंशु, इसमें से कितने लोग हिंदी के हैं और कितने लोग इंग्लिश के हैं? सर मैं हिंदी की हूँ. हिंदी का कौन? अच्छा चारों लोग हिंदी से हो क्या मुझे लग रहा है. शुभम आप भी हिंदी से हो? यस सर हिंदी से. ठीक है तो इंग्लिश है. किसका? अंशु का इंग्लिश है. अदिति. अच्छा अदिति का इंग्लिश, ठीक है. तो जो हिंदी, अच्छा जो हिंदी के मेंटर्स जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं उनसे आपकी मैम पूछेंगी क्वेश्चन, तो आप लोग हिंदी वाले दीजिए, इंग्लिश का भी होल्ड रहेगा, ठीक है? तो कंटिन्यू कीजिए. ओके तो सबसे पहले no. तो आप सभी लोग सुपर 40 के टेस्ट दे के आए हैं सेलेक्ट हुए, तो उसके लिए तो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप लोग सेलेक्ट हुए हैं. उम्मीद है जिस तरह आप लोग अच्छा रैंक गेन किए हैं सुपर 40 में वैसा ही रैंक गेन करेंगे आप PHU एंट्रेंस में भी. उम्मीद है यहाँ इंटरव्यू में सेलेक्ट होके आप पहुँचेंगे भी हम लोगों के साथ सुपर 40 में, आप सब आएंगे भी. तो सबसे पहले तो अंशु आप खुद को म्यूट करें और आपसे कुछ Yes, so, आप रेडी हैं ना? Yes, ma'am. Okay, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय किस तिथि को लिया गया था? 14 सितंबर को मैम. एग्जैक्ट डेट? क्या मैम? 14 सितंबर मैम. अरे एग्जैक्ट डेट बताएंगी आप? एक्चुअली सन की बात कर रही हूँ, सन की बात भी डेट के साथ साथ आप 14 सितंबर 1950 लगभग मैम. सॉरी 14 सितंबर 1949 था, बट कोई नहीं. आप बता सकते हैं कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को. ओके ठीक है. सो आपने अच्छा आंसर दिया है. सो अगर आदर्श का हिंदी रहा हो तो हम चाहेंगे कि आदर्श इसको म्यूट करें. सो आदर्श हमारे जो एंट्रेंस है उसमें कहीं ना कहीं काव्य से भी क्वेश्चन आता है कि पंक्तियां क्या रही हैं, तो उन्हीं से एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे कि अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, ये किसकी पंक्ति है? सॉरी मैम क्लियर नहीं है. तो इसका मतलब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के नहीं आए क्या?
मैम देखा था बट अभी थोड़ा पता नहीं। एक तो हमारे चैनल पे अमित सर हैं, वो प्रीवियस मैम एक बार को फिर से रिपीट कीजिए थोड़ा लाउडली, आवाज धीमे आ रही है आपकी। ओके, क्वेश्चन है कि अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, ये कौन से कवि की पंक्तियां हैं? जयशंकर प्रसाद। ओके, और क्या बता सकते हैं पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या थी, किस भाषा में लिखा गया था? रिपीट क्वेश्चन मैम। पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या थी, क्या बता सकते हैं? पृथ्वीराज रासो की भाषा, खगड़िया कुछ, खगड़िया करके ऐसे कुछ हिंदी। चलिए कोई नहीं, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा नहीं है ऐसा लग रहा है, सो रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पे अमित सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज ला रहे हैं, तो कम से कम उसे जरूर देखिए। मैम हिंदी है तो हिंदी में होना चाहिए। यस यस, तो वो हिंदी ही पूछ रहे हैं आपसे, तो वो सर हिंदी का क्वेश्चन लाते हैं उसमें, अगर आप उसे देख लेते तो आपका डाउट क्लियर हो जाता, तो रिक्वेस्ट है कि आगे से देख लीजिएगा तो शायद हेल्प हो आपको। तो नेक्स्ट शुभम है, शायद उनका भी हिंदी है तो चाहेंगे कि वो क्वेश्चंस के आंसर दें। जी मैम। हाँ तो शुभम, सबसे पहले आपका कांग्रेचुलेशंस कि आप यहाँ तक आए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या आप बता सकते हैं कि भारत के किस राजनेता ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र सभा जो था वहां पर पहली बार हिंदी में भाषण दिया था? ऑब्वियसली स्वामी विवेकानंद मैम। राजनेता पूछा है, चलिए कोई नहीं, अच्छा छोड़िए जाने, ये आप बताएंगे पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या थी, आप बताइए। मैम चंद्रवर दाय ने उसे लिखा ये पता है, लेकिन एक्चुअली भाषा नहीं पता मैम, सॉरी भाषा नहीं पता। अच्छा बता सकते हैं कि पृथ्वीराज रासो का जो सबसे बड़ा संस्करण था उसको किस संस्था ने निकाला था? नहीं मैम, सॉरी मैम। ओके कोई ना। अच्छा बता सकते हैं कि जो प्रारंभिक काल था उसको चारण काल नाम किसने दिया था? प्रारंभिक काल को चारण काल नाम किसने दिया था? नो मैम। सिखा मैम एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा। शुभम आप मेरे बस दो क्वेश्चन का आंसर कीजिए, बहुत ही नॉर्मल रहेगा, ठीक है? yes, आप बताइएगा कि यामा जो है ये किसकी रचना है? यामा हाँ जी, नहीं सर ये भी ध्यान में नहीं है सर। अच्छा कोई बात नहीं है, नीलकंठ या फिर निर्जा किसकी रचना है? निर्जा। अच्छा ठीक है, ओके। एक बात बताइए, आपने लैंग्वेज की प्रिपरेशन कर रखी है या नहीं कर रखी है? क्योंकि देखिए लैंग्वेज की वजह से आप हो सकता है बाहर निकल जाओ, जैसा परफॉर्मेंस अभी दे रहे हो ये परफॉर्मेंस एक्सेप्टेड नहीं है, तो अभी भी मौका है। आप ये बोल दो कि लर्निंग सेक्शन प्रिपेयर ही नहीं है तो हम लोग बाकी कुछ सेक्शंस देख लेंगे, लैंग्वेज सेक्शन अगर प्रिपेयर है ऐसा परफॉर्मेंस दोगे तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, बाकी आप जैसा बताओ। सर बुक्स और ऑथर वाला सेक्शन अभी थोड़ा बीच है बस। By the way, अभी सिखा मैम ने जो क्वेश्चन पूछे हो, सिखा मैम आप इनसे एक दो क्वेश्चन ग्रामर से भी पूछ लीजिए तब। okay, ग्रामर से। okay, कोई ना, आप सिंपल सा मुहावरा, एक मुहावरा है बैगन की थाली होना, उसका क्या अर्थ है आप उसे बता दीजिए मुझे। किसका खाली होना मैम? बैगन का थाली होना, थाली का बैगन होना। नहीं मैम। अच्छा, एक्चुअली अभी अमित जी चले गए, आदर्श अमित जी हैं या चले गए हैं? अमित जी हैं सर अभी। अच्छा थोड़ा सा पूछिएगा कि इकोनॉमिक्स परफॉर्मेंस कैसा रहा इनका? परफॉर्मेंस अच्छा, अमित जी रिपोर्ट दे दीजिए। इकोनॉमिक्स का परफॉर्मेंस अच्छा है। आप कौन है, शुभम है? हाँ शुभम है, थोड़ा देख के कैसा है बताइए मुझे। क्वेश्चन मैंने इनसे पूछा, वो अच्छा इन्होंने आंसर दिया है।
अच्छा फिर उसके बाद नेहा मैम ने पूछा था, आदित्य नेहा मैम ने पूछा तो कैसा परफॉर्मेंस रहा इनका? सर नेहा मैम ने नहीं पूछा था। अच्छा ठीक है, स्टार स्टार लगा दो, ठीक है बाकी का बाद में देखते हैं। ठीक है आगे सिखा मैम, कंटिन्यू कीजिए। ओके सो सर आई थिंक सर अदिति का इंग्लिश है तो आदित्य सर के अच्छा, पास अदिति अच्छा, का इंग्लिश जरूर है पर हर एक क्वेश्चन पे अदिति ने हैंड राइज किया। तो अदिति एक बात बताओ मेरे को, पता है अब मैं अदिति एक बात बताता हूँ, ये बात सबको सुनना चाहिए, चाहे आदर्श हो चाहे शुभम हो चाहे अंशु हो, सभी को सुनना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट हो अदिति जैसी हो। पता है क्यों भाई? बारहवीं पे आप कभी भी एक सब्जेक्ट को ऑन द बेसिस ऑफ प्रिपरेशन डिनाई नहीं कर सकते हो कि आई एम मोर परफेक्ट इन इंग्लिश, आई एम मोर परफेक्ट इन हिंदी। भाई ऐसे लेवल पे आप खड़े हो, यहाँ पे आपको दोनों में बराबर होना चाहिए। आपको उतनी हिंदी भी आनी चाहिए उतनी इंग्लिश भी आनी चाहिए। यहाँ पे आपके जितने मेंटर्स हैं, हम लोगों ने भले सीखा मैम को हिंदी के लिए मेंटर बना रखा है, लेकिन राइट नाउ सीखा मैम इंग्लिश से भी क्वेश्चन पूछ सकती है। हर एक मेंटर ऐसा कर सकता है क्योंकि इस लेवल पे हम लोग, चलो ठीक है हम लोग हिंदी चूज कर ली, हिंदी के क्वेश्चन है। लेकिन मैं ये बात अंशु आदर्श शुभम को भी बोलना चाहूंगा, आप लोग चलो ठीक है आप लोग एक सेक्शन को अपना प्रियोरिटी बनाते हो, उससे इजी हो जाता है कि हम लोग उसी क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन आप लोग आदिति की तरह बनो, हर एक सेक्शन को बराबर रखो तो ये अच्छी बात है। देखो अब नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें भी ये हाल है, तो आदिति ने इंग्लिश पहले बोल चुका है लेकिन फिर भी वो हिंदी में देखो अपने आप को बता रही है कि उसको हर क्वेश्चन का लगभग उसने हैंड राइज किया था। मेरे को बहुत अच्छा लगा, ऐसे हर लोग बनो। वैसे सुबह 40 में आओगे तो एक बार ध्यान रखना कि लगभग दोनों लैंग्वेज बराबर पढ़ाए जाएंगे, तो वहां पे आ रहे हो वहां पे करना पड़ेगा। और वहां पे 5 दिन के बाद, तो 5 दिन तो अभी रिव्यू में रहोगे, 5 दिन के बाद अगर इधर उधर की कुछ भी चीजें पाई जाएंगी तो ऐसे भी आदित्य सर आपको बाहर कर देंगे, जो भी मेंटर्स को लगेगा तो बाहर कर देगा। तो ठीक है सिखा मैम आगे कोई मेंटर किससे पूछना हो गया है या फिर अब इंग्लिश सेक्शन एक लोग बाकी आदित्य उनसे? नहीं वो हिंदी वालों का तो हो गया, अब इंग्लिश सेक्शन का आदित्य सर हैंडल करेंगे। तो आदित्य आदिति का भी इंग्लिश करवा लो फिर उसके बाद हम लोग लास्ट राउंड चलाए। ओके सो थैंक यू सो मच मैम कि आपने काफी अच्छे तरीके से क्वेश्चन पूछे थे और कहीं ना कहीं हाँ तो मतलब एक कम्प्रिहेंसिवली मैम आपने क्वेश्चन पूछा और ओवरऑल लोगों ने अच्छे तरीके से बताया। तो सिंपली मैं अब इंग्लिश सेक्शन के लिए आदर्श सर के पास चलना चाहूंगा, तो नाउ ओवर टू यू आदर्श सर। फर्स्ट ऑफ ऑल हाय अदिति, आई विल आस्क यू 3 सिंपल क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? Yes, sir. तो एक मैं आपको एक वर्ड बोलूंगा और आप उस वर्ड का मुझे एंटोनिम बताएंगे, ठीक है? एंड द वर्ड इज लीनियंट, इसका एंटोनिम क्या होगा? स्ट्रिक्ट। ओके ओके ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, एक इडियम है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम एट द 11th आवर? एट द लास्ट मोमेंट। Very nice. And last question is, who is the writer of the Gulliver's Travel? Sir, repeat. Who is the writer of the novel Gulliver's Travel? Am I audible to you? Yes, sir. Jonathan Swift. Yes, yes, Jonathan quite correct. Thank you. Thank you, thank you. Very well. Exactly, Aditya sir, Adarsh sir, Amit sir, jitne mentors ho. हमें ऐसी ही स्टूडेंट्स की जरूरत है, ये बात दिमाग में बैठाइएगा। और जो बच्चे सेलेक्ट होके आ रहे हैं अगर वो इस पोजीशंस पे नहीं है तो हर एक को ऐसा बनना पड़ेगा लाइक अदिति। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, बहुत इंप्रेसिव। अभी मेरा राउंड बाकी है, अभी एक राउंड आदित्य सर का बाकी है, आई होप कि और अच्छा करोगे आप। तो आदित्य सर आगे कंटिन्यू कीजिए। आदर्श सर बहुत बहुत धन्यवाद, इंग्लिश सेक्शन को कवर किया बहुत अच्छे से, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे आदित्य आदर्श सर, इस बात का हमें दुख रहता है कि 40 में 5-6 बच्चे ही इंग्लिश सेक्शन को चूज करेंगे, बट फिर भी आपका वो जोश अभी देखने को मिलेगा कि आप 5 बच्चों को भी अपने प्रॉपर वे में डीलिंग देंगे, इस बात की खुशी हमें रहेगी। जरूर सर। तो आगे कंटिन्यू आदित्य जी, आप देखिए आगे। ओके थैंक यू सो मच आदित्य, आपने काफी अच्छे तरीके से बताया भी और सर ने भी काफी अच्छे तरीके से। तो नाउ अब मैं जैसा कि पॉलिटी का मेंटर हूँ तो आप सबको पता होगा, तो मैं वहीं से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। और जब भी आप सुनते हैं पॉलिटिक्स पे एक अलग ही फीलिंग आ जाती है। तो मेरा ये क्वेश्चन होगा आप सबसे पहले, तो सबसे पहले अंशु क्या आप मेरी वॉइस सुन पा रही हैं? यस सर।
तो आपसे मेरा पहला क्वेश्चन होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होगा मेरा आपसे, भारतीय संविधान में कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, ये प्रश्न था आपसे अंतिम मेरा। पांच है सर। अंतु पांच मौलिक अधिकार हैं। चलिए कोई बात नहीं, तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन होगा। हाँ कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन होगा मेरा आपसे, तो सिंपल सी बात है कि जैसा कि आपने पांच बताया है, आपके हिसाब से पांच है, तो जब भारतीय संविधान यानी ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? सर इस सब्जेक्ट के प्रिपरेशन सही से नहीं हुई है सर। ओके सो नो इश्यूज अंशु, आपसे मैं एक बेसिक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, बिल्कुल बेसिक था, हमारा भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब बनकर तैयार हुआ था? हाँ, और कब बनकर तैयार हुआ था? दो साल ग्यारह महीना। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कितना टाइम लगा था, मैं ये पूछ रहा हूँ कब बनकर तैयार हो गया था। चलिए कोई बात नहीं, तो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ। पहले भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल छह मौलिक अधिकार हैं, और मूल संविधान में ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुल सात मौलिक अधिकार थे, और हमारा भारतीय संविधान बनकर 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। अब मैं अगले पार्टिसिपेंट की तरफ चलना चाहूंगा, तो हमारे साथ आदर्श जी जुड़े हुए हैं। आदर्श जी मेरे वॉइस आप सुन पा रहे हैं? आदर्श जी प्लीज कन्फर्म इट। यस सर। तो बहुत सही, तो इट्स ऑल राइट। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्या आप मुझे ये बताएंगे कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का जो वर्णन है वो किस अनुच्छेद में? एक मिनट सर, फिर से। आप बहुत लैंग्वेज में कंफर्टेबल है ना, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि भारतीय संविधान में यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनका वर्णन या डिस्क्रिप्शन किस आर्टिकल में आपको मिलता है? कोई आप एक आर्टिकल बता दीजिए, जो स्टार्टिंग का आर्टिकल। आर्टिकल 52। हेलो सर। हाँ ओके ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मेरा आपसे कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार की इमरजेंसी की बात की गई है, कितने प्रकार के आपातकाल लागू किए जा सकते हैं भारतीय संविधान के अनुसार? आई थिंक हाँ आदर्श जी बताइए। यस सर। हाँ कितने प्रकार से आपातकाल लागू किया जा सकते हैं, इमरजेंसी लागू किया जा सकता है? थ्री। कौन कौन से आर्टिकल में है? कौन कौन से आर्टिकल में? एक 352 से स्टार्ट है, 352, 356 और एक और कोई है सर? चलिए ठीक है, वो लास्ट वाला 360 है, इट्स ऑल राइट। तो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, हाँ वी हैव शुभम। शुभम आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। तो शुभम मेरा आपसे सवाल होगा कि जैसा हम पॉलिटी हम सब पढ़ते हैं बहुत ज्यादा, कहीं ना कहीं एक कुछ उसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वही हम कहीं कहीं अगर कवर कर लेते हैं तो पॉलिटी सेक्शन बहुत स्कोरिंग हो जाता है। तो उसमें से एक इम्पोर्टेंट सेक्शन आता है और उसमें हमारे देश में बार बार बात भी होती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आता है, तो वो कौन से आर्टिकल में उसका वर्णन मिलेगा या उसका डिस्क्रिप्शन मिलेगा, क्या आप मुझे बताएंगे? सर एक बार फिर से लास्ट दो लाइन सर। जी अब वो मैं उसके पहले बैकग्राउंड बता रहा था ना, सिंपल सा मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो डिस्क्रिप्शन है उसका या वर्णन है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? सिविल कोड का? हाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड सुप्रीम कोर्ट तो सर पता है और सिविल कोड पता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड सर नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता उसे कहते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन जो है वो आर्टिकल 44 में यानी अनुच्छेद 44 में मिलता है। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। आप क्या हमें बताएंगे कि हमारे भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं या कितने मौलिक कर्तव्य
बताए गए हैं या फिर निर्धारित किए गए हैं? मौलिक कर्तव्य मतलब सर फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी। अच्छा आपको इंग्लिश में, ठीक है मैं आप बताता हूँ, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्वेश्चन होगा आपसे। फंडामेंटल ड्यूटीज आई थिंक 12 सर। 12 आप करेक्ट हैं, आपको क्या लग रहा है कि आप करेक्ट? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, करेक्ट नहीं है सर, करेक्ट नहीं है। आप करेक्ट नहीं, फिर करेक्ट क्या होना चाहिए फिर, आप ही बताइए। जस्ट वेट, जस्ट वेट, अदिति हैज रेज हिज हर हर हैंड, तो जस्ट थोड़ा सा होगा। हाँ अदिति आप बताइए, आप अपने आप को अनम्यूट करिए, बताइए। सर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज और ये आर्टिकल 51 में है। हेलो, हाँ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं क्या अदिति, आप करेक्ट हैं? What do you think about that? Yes, sir. So, okay. आप करेक्ट है, तो आर्टिकल कौन सा बताया आपने? आर्टिकल 51? 51, हाँ, 51. उसका कोई सेक्शन भी है वो। हाँ ठीक है, इट्स ऑल राइट। तो मैं यहाँ पे सिंपल है, शुभम आपसे मेरा चीजें ओवर हो गई, जो भी पूछना था मैंने पूछ लिया था। अदिति मैंने आपको एक क्वेश्चन पास कर दिया था, आपने वो सही बताया कि आर्टिकल 51 ए में है, लेकिन आपने एक चीज मिस्टेक करी है, हमारे यहाँ फंडामेंटल ड्यूटी मौलिक मौलिक कर्तव्य 11 है, अभी को आपने करेक्ट बताया हुआ है, सो इट्स ऑल राइट। तो अदिति क्या आप मुझे, जी जी ओके नो इशूज, तो अदिति क्या आप मुझे ये बताएंगे कि वर्तमान में एट प्रेजेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो किस स्टेट में वो इम्प्लीमेंट करा गया हुआ है? आई मीन कि भारत जैसा कौन सा राज्य है जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो इम्प्लीमेंटेशन में है? सर नहीं याद। ओके नो इश्यूज, नो इश्यूज, इट्स सॉलिड। तो मैं, हाँ बताइए। गोवा। Yes, you are very much correct. You are very much correct. Yes, it's Goa. Okay, sir. So, वो quality prepared नहीं है अच्छे से। नहीं, फिर भी आपने अच्छा try करा, it's solid. तो मेरा last question होगा, अदिति आपसे ही मेरा last question होगा। और ये last मेरा last question ये है आपके कि हमारे यहाँ fundamental rights जो हैं वो अभी अभी मैंने बताया वो 6 हैं, यानी कि वर्तमान में at present 6 fundamental rights हैं। तो क्या आप मुझे ये बताने का प्रयास करिएगा कि डॉक्टर अंबेडकर ने किसको हर्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला? ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ और बार बार एंट्रेंस एग्जाम्स में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। यस सर, यस सर, हर्ट एंड सोल, हर्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। Yes, you are very much correct and congratulations to you and you all. आप सबने अच्छे तरीके से बताया है, मुझे मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता देता हूँ अपनी टीम को कि आप सबने अच्छा बताया है और कुछ लोगों को अभी भी मेहनत करने की ज़रूरत है, तो जो लोग भी जुड़ेंगे सुपर 40 में सेलेक्ट होंगे वो अच्छा करेंगे। That's all. Now over to Neil sir. Hello sir. आदित्य शुभम जी को सुन लीजिए थोड़ा एक बार। जी शुभम बताइए आप। सर आप और पूछना चाहें तो सर पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। नहीं मैं सर जो मेरे साथ जो इतना गलत हुआ और जो नहीं आया उस हिसाब उसके बाद सर मतलब थोड़ा लगभग भूल गए सर, लेकिन सर फिर भी आप कुछ और हां जी आपको डिमोरलाइज नहीं होना है बिल्कुल भी। कुछ क्वेश्चंस होते हैं नहीं आते हैं, ओके तो उस पे ध्यान नहीं देना है, अभी जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाए उस पे ध्यान देना है आपको। ठीक है, ओके अभी मेरे पे डाल दीजिए। शुभम जी आप परेशान बिल्कुल ना हो, यहाँ पे ये डराने के लिए इंटरव्यू नहीं है, ये तो इम्प्रूवमेंट के लिए है। हम लोग आपको जान पाए, आप मेरे को जान पाए, एक अच्छा सा अपने दिमाग में कोई प्लान क्रिएट कर पाए, इसलिए है बेसिकली। फिर भी आदित्य सर देखिए कुछ बोल रहे हैं, आप सुन लीजिए। हाँ सुनिए, मैं जैसे कि मैंने आप सबको स्टार्टिंग में शेयर कर दिया था, आई होप कि नेटवर्क इश्यूज हो तो आप सबने सुन नहीं पाए होंगे, और मैंने आप सबको बिल्कुल ये क्लियर कर दिया था, ये बस एक हमारा इंटरेक्शन है, इसमें हम जानना चाहते हैं कि आपको और आप हमें जानना चाहते हैं, इसका कोई और मोटिव नहीं है। ये इंटरव्यू एक टाइटल है भाई, फॉर्मल चीज होती है, इसलिए इंटरव्यू का नाम देना पड़ा। दैट्स इट, बी कॉन्फिडेंट गाइस, सब कुछ अच्छा होगा आपके साथ, आप एंट्रेंस एग्जाम में भी अच्छा करके आने वाले हैं, तो देयर शुड बी नो इश्यूज विद यू ऑल। ऑल राइट, ओवर टू नीर सर।
हाँ गाइस, फाइनली अब हम लोग एक फाइनल राउंड पे हैं। इसमें एक राउंड है क्रॉस क्वेश्चनिंग का। आइदर बाय द वे मैं थोड़ा जानूंगा आदित्य जी टाइम कितना हो गया है, उसी हिसाब से मैं आगे प्रोसीड करूं। सर अपने पास टाइम की रिस्ट्रिक्शंस हैं तो बाकी आगे भी शेड्यूल है तो थोड़ा सा इसको शॉर्ट रखना होगा सर। ठीक है, ओके, मैं शॉर्ट रखता हूँ। मेरा जो पहला क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो स्क्रीन पे दिख नहीं रही है, क्या नाम है उनका, अंशु जी, क्योंकि चूंकि अंशु जी जो है वो सबसे हाईएस्ट मार्क्स लाई हुई हैं आपके आज के जो 240 का टेस्ट हुआ था उसमें। तो अंशु जी आप थोड़ा मेरे से इंटरेक्ट होइएगा, आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, माइक ऑन कर लीजिए और फाइनली मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। हाँ अंशु जी, आपका पेपर बीते कुछ दिन पहले 240 का हुआ, ठीक है, आप मेरे को बता दो कि आपके क्वेश्चन पेपर में जो पहला क्वेश्चन था वो कौन सा था, पहला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में कौन सा था। हाँ अंशु जी, मैं देखो सबसे पहले मुझे खामोशी पसंद नहीं है, आपको नहीं आता है तो आदर्श की तरह नो नो बोल दो, वो मुझे पसंद है, खामोशी पसंद नहीं है। हाँ नहीं पता है या पता है? नहीं पता है। ठीक है, आप पूरे 90 क्वेश्चंस जीके जीएस और लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन, पूरे 120 क्वेश्चन में किन्हीं एक क्वेश्चन को आप बता दो कौन सा क्वेश्चन उस पेपर में आया था, कोई एक क्वेश्चन बता दो आप। हाँ जी अंशु, नहीं पता बता दे, कोई भी एक क्वेश्चन आप बताओ। ठीक है, टाइम ओवर, जाने दीजिए आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अंशु जी बताइएगा, बीएचयू पाठशाला पे पीछे कुछ समय पहले हम लोग लाइव वगैरह करते थे, मैं लाइव में बड़े बेसिक क्वेश्चंस पूछा करता था, तो कहीं ना कहीं बहुत ही आसान सा क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे, बहुत आसान क्वेश्चन। ठीक है, आप मेरे को ये बता दो राइट नाउ इंडिया में टोटल नंबर ऑफ स्टेट एंड यूटी कितने हैं, हमारे देश में अभी टोटल नंबर ऑफ राज्य कितने हैं बताइए। 28 स्टेट और 1 यूनिट। अच्छा 28 स्टेट, अभी 2-3 दिन पहले, इवन 2 दिन पहले अभी किस स्टेट के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया? उत्तराखंड। क्या नाम था उनका? अदिति आप बताना क्या नाम था उनका। शुभम आप बताना। आज सीएल सिंह रावत था सर और अभी बने पुष्कर सिंह धामी। हाँ ठीक है, ओके ठीक है, ओके ओके, अभी अंशु के बाद हम लोग चलेंगे आदर्श के पास। ठीक है आदर्श, सबसे पहले तो यार बड़े इतने वो हो, मतलब एकदम सीरियस स्माइल स्माइल करते हो कि नहीं करते हो, बताओ। अच्छा ठीक है, देखो आदर्श एक्चुअली क्या है ना कि हमारे पास आदर्श, ये जो आदर्श वर्ड है ना, ये आदर्श वर्ड मेरा बहुत बिलीव है कि शब्दों में वो होता है, वो वेट होता है, तो आदर्श का मतलब ही हो गया ना कि आदर्श दिखना चाहिए, तो वो आदर्श दिख रहे हो आप, कोई बात नहीं। आप मेरे को बड़े आसान आसान से क्वेश्चन बताना, ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन बहुत आसान सा मैं पूछ रहा हूँ। ये एक गुरु शिखर है, गुरु शिखर आपने सुना होगा, ये एक पीक है, एक माउंटेन की हाईएस्ट पीक है, आप बताइए किस माउंटेन की हाईएस्ट पीक का नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर किस माउंटेन का हाईएस्ट नाम है? गुरु शिखर किस गुरु शिखर? ठीक है, ओके ओके ओके, लीव आउट करते हैं आदित्य। हाँ आदित्य आप बताइए। सर अरावली रेंज। अरावली, अच्छा अभी ये कौन है, शुभम, शुभम आप बताइएगा मेरे को कि शुभम आप सुन पा रहे हो, पहले तो एक बार हाँ बोल दीजिएगा। ठीक आप मुझे सुन पा रहे हो? बिल्कुल। अच्छा अब जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका सबसे, आप मेरे को बता दो सबसे दक्षिणी पॉइंट बताओ किस स्टेट में है, या उससे रिलेटेड कोई भी फैक्ट, सबसे साउदर्न पॉइंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट
सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है उसके बारे में आप बताए, कुछ भी कोई भी पॉइंट चलेगा, किस स्टेट में है, किस नदी के किनारे, कुछ भी आप बोलो चलेगा। सर हिस्ट्री एंशिएंट इंडिया सही है सर, इसमें भी लोग बिल्कुल ही बताएंगे। अच्छा इसमें आपको नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है? सर 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 बिल्कुल ही बताएंगे बोलो। अच्छा हाँ बताइए फिर तो मुझे खुशी होगी। साउथ मोस्ट पॉइंट है दहमाबाद और ये प्रोरा रिवर मध्य प्रदेश, और प्रोरा रिवर मध्य प्रदेश में है और ये भारत में है। ठीक है ओके, राइट नाउ महाराष्ट्र में उस प्लेस है, ठीक है वो प्लेस है। अच्छा आदर्श जी आप बोलना चाह रहे हो बताइए। चलिए आदर्श जी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, अच्छा ठीक है मैं पूछ रहा हूँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन का कोई भी एक नाम और बताइए मुझे, सिंधु घाटी सभ्यता का कोई एक नाम और बताइए। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। ठीक है अभी ठीक है, आदिति के पास चलते हैं। आदिति मेरे को आप बताइएगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, ठीक है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो है ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन, इसके पीछे रीजन क्या है? सर क्योंकि ब्रॉन्ज एग्जैक्टली नहीं पता। हाँ जी बट अदिति आप अच्छा ट्राई कर रहे थे, तो आप बताइए, मैंने सुना थोड़ा बहुत, आप जो बता रहे हैं वो सही है, सो नाउ यू शुड ट्राई गेट दिस। सर क्योंकि वो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है। ठीक है ओके ओके। अच्छा बाय द वे अभी हम लोग क्या करते हैं, आप लोग के परफॉर्मेंस बहुत अच्छे रहे, बाकी आप इंटरेस्ट जिन्होंने इंटरव्यू लिया है वो ही बता पाएंगे आगे की क्या करना है, तो वो लोग अभी रिजल्ट एनालिसिस करके आपको फाइनलिस्ट देंगे, तो आप लोग मैसेज या कॉल का इंतजार करोगे, ठीक है, आप सभी लोग मैसेज या कॉल का इंतजार करोगे, बाकी जो भी अपडेट होगा आपके ग्रुप में जाएगा, कि कोई भी कॉल मैसेज करने की जरूरत नहीं है आपको। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, आपका फाइनल रिजल्ट बहुत जल्द आप तक पहुंच जाएगा। और आप सभी को आदित्य सर इनको कुछ बोलना है, क्योंकि लास्ट में मुझे बस थोड़ा सा सजेस्ट करना रहेगा, बाकी आज की मीटिंग इनके लिए खत्म ऑफ किया जाए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ अदिति बताइए। अदिति सर वो जीएस का नेहा मैम का। अच्छा ठीक है उसको हम अभी चेक करवा रहे हैं, ठीक है। हाँ अदिति बताइए। नेहा मैम ओवर टू यू, अगर नेटवर्क कनेक्टिविटी इशू ना हो तो आप अदिति से पूछ लीजिए, क्योंकि इनकी क्यूरियोसिटी है, इनकी जिज्ञासा है, तो वो नेहा मैम अगर आपको मेरी वॉइस जा रही हो तो आप इसको जो भी है वो उसके बाद फिर रिजॉल्व करिए, अदरवाइज फिर हम मूव करते हैं आगे। फिर मेरी आवाज क्लियर जा रही है? हाँ बिल्कुल क्लियर है, आप कंटिन्यू करिए। मेरी आवाज क्लियर जा रही है आपको? यस मैम। ओके तो मुझे आदिति से जीएसटी क्वेश्चन करने थे। ओके आदिति मेरा आपसे भी विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए विटामिन ई का केमिकल नेम क्या होता है? विटामिन ई का विटामिन ई टोकोफेरॉल। जी बिल्कुल सही बताया आपने। और आपका एक क्वेश्चन था ह्यूमन फिजियोलॉजी से, ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा बोन कौन सा होता है, लार्जेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी? बोन मैरो। मैंने आपसे बोन पूछा है सबसे बड़ा कौन सा होता है? फीमर। ओके आपके थाई की बोन होती है फीमर। मेरा भी बचाना। ओके आदिति, ओके आदिति थैंक यू। ओके तो आप एक और क्वेश्चन का आंसर देना चाहेंगे। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आपने नाम सुना होगा, राइट? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ये किसने दिया था? आदिति से मैं भी क्वेश्चन कर रही हूँ। आदिति ओके ओके, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? यस रॉबर्ट विटकर। ओके आदिति थैंक यू सो मच, आपका आंसर बिल्कुल भी सही है, थैंक यू। नाउ नेक्स्ट आई थिंक शुभम से मुझे क्वेश्चन करना है। शुभम आपको मेरी आवाज क्लियर जा रही है? हाँ मैम। ओके सो आपको पता है बाइल,
बाइल डाइजेस्टर जो आपकी डाइजेशन की प्रोसेस होती है उसमें ये आपका एंजाइम जो है हेल्प करता है, तो ये बाइल सीक्रेट कौन करता है, हमारी बॉडी का कौन सा ग्लैंड? बाइल, लीवर, लीवर। ओके, आपका आंसर बिल्कुल सही है। ओके, आप मुझे एक क्वेश्चन बताइए जो कि कॉमन है और आई थिंक बहुत बार रिपीट हुआ है, कौन से ब्लड टाइप को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? ओके ओके, थैंक यू, आपका आंसर बिल्कुल सही है। ओके थैंक यू। सो ओके आदित्य सर, हिस्ट्री का मुझसे नहीं हुआ था। आप जी वो हो जाएगा, वो नीर सर कर लेंगे। इसके बीच इन द मीन टाइम मैं चलना चाहूंगा शिखा मैम के पास, और जैसा कि शुभम आप क्वेरी कर रहे थे कि आपसे हिंदी कुछ पूछ लिया जाए, तो शिखा मैम के पास कुछ क्वेश्चन होंगे, तो मैम शिखा मैम आपके पास मैं ओवर करता हूँ। ओवर टू यू शिखा। ओके हाँ शुभम, तो आपने जैसे हो सकता है कि आप शायद थोड़ा डर गए हो या कुछ ऐसी, कोई बहुत सारे रीजन्स होते हैं कि आपने आंसर नहीं दे पाया, कोई बात नहीं, तो कुछ एक दो क्वेश्चंस आपसे फिर से पूछना चाहेंगे तो आप आंसर दें तो अच्छा लगेगा। मैम पहला एक अभी याद आ गया, पृथ्वीराज राशो का जो लैंग्वेज था वो था शायद जिंगल पिंगल आई थिंक। नहीं ओके ओके कोई ना, वो उसको लिव आउट करते हैं कि वो क्या था, तो अभी न्यू क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। सो संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राज्य भाषा माना गया है, किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 343। ओके और हल्दी घाटी के रचनाकार कौन थे? हल्दी घाटी के रचनाकार श्याम नारायण पांडे। ओके श्याम नारायण पांडे करेक्ट है। सो पीपर पात सरिस मंडोला में मन क्या है? मैम ये क्वेश्चन अभी आया भी था लेकिन ये मेरा मतलब नहीं आया था, इसको स्किप किए थे, लेकिन बाद में जब सॉल्यूशन देखे थे तो इसमें शायद उपमेय या ऐसा कुछ था। ओके राइट आंसर उपमेय ही था। और एक क्वेश्चन और था, बीती विभावरी जागरी अंबर पनगट में डुबो रही तारागट उषा नागरी, सो इसमें कौन सा अलंकार है? अंबर एक बार फिर से मैम। अंबर पनगट में डुबो रही तारागट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? अंबर पनगट में डुबो रही तारा उषा नागरी, ये पढ़ा पढ़ा कुछ है क्या? मेरी अनुप्रास तो नहीं है, अतिशयोक्ति मैम बढ़ा चढ़ा के? नहीं, अतिशयोक्ति नहीं है, रूपक अलंकार होगा उसमें। ओके थैंक यू, बहुत बहुत आपका थैंक्स कि आपने आंसर दिए इस बार कुछ। थैंक यू मैम। इट्स ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच टू शिखा मैम एज वेल एज शुभम। अब हम इस मीट को जो भी इंटरव्यू सेशन था, जो भी इंटरेक्शन था, इसको हम इसके एंड की तरफ चलना चाहेंगे। तो नाउ इट्स ओवर टू नीत, जो कुछ भी फाइनल बातें हैं वो करनी है और लास्ट में इसको फिर हम कंक्लूड करेंगे। और बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, पैनिक नहीं होना, आपको बिल्कुल फ्री माइंड से रहिएगा, जो भी अपडेट होगा वो आपको बिल्कुल पहुंच जाएगा और आप इंतजार कर रहे होंगे और हम आपको अपडेट देने के लिए इंतजार कर रहे होंगे, तो दोनों लोग वेटिंग पीरियड में है, तो जस्ट बी हैप्पी गाइज एंड ऑल द बेस्ट। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बीएचयू पाठशाला के मेंटर्स बड़े अच्छे से आज इस इंटरव्यू को कॉपरेट किए, हैंडल किए, और स्टूडेंट्स बड़े अच्छे से कॉपरेट किए, बहुत अच्छा लगा। और अब सबसे बड़ी बात देखो क्या होता है कि अब ऑनलाइन हो चुका है तो नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है, नेटवर्क इश्यूज की वजह से कुछ बच्चे हेजिटेट भी हुए, कुछ लोग उस परफॉर्मेंस को नहीं शायद प्रेजेंट कर पाए जो चाहते थे, ऐसा भी हुआ। और इतने सारे रहे चार लोगों में, मेरे को जो काफी इम्प्रेस की वो अदिति, अदिति का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। बाकी मेंटर्स भी आई थिंक अदिति को ही फेवर करेंगे क्योंकि अदिति का जो फास्ट तुरंत आंसरिंग था वो बहुत अच्छा लगा, मतलब वो आंसर्स पे कमांड और कॉन्फिडेंट थी काफी। तो अदिति जो है कहीं ना कहीं विनर है, इस बैच की विनर रहेंगी, और बाकी अभी फाइनलिस्ट तो नहीं बनेगा लेकिन इस बैच में हम लोग देख रहे हैं कि ऑलरेडी टॉपर्स ही आए थे, तो मेरे साइड से अदिति। हाँ एक बात और रहेगा कि आप लोग थोड़ा इंतजार करोगे, आदित्य सर ने बोला है कि इंतजार करोगे, वेट करोगे, कोई इशू नहीं है, बाकी जैसा अपडेट होगा वो जाएगा। और इसी साथ आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं और इस सेशन को हम लोग ऑफ करते हैं।